ये भूत भूतनी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग ही नहीं होता। और क्या, हाँ, ये आत्मा 40 साल से भटक रही है क्योंकि इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इस आत्मा को बदला लेना है। नहीं, आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर भूख होती है वहीं पर इच्छा का अस्तित्व होता है। भूख तो शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। भूख नहीं तो इच्छा भी नहीं। भगवद गीता की इस श्लोक को देखिए, आत्मा को हम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, यानी कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या गरुड़ पुराण में जो ये सारी सजाएं लिखी हैं ये सब झूठ है? नहीं, देखिए, जब बात आती है मानसिक यातना की तो उसको समझाया नहीं जा सकता। कि मान लो किसी के घर में चोरी हुई है और उनसे पूछा जाए कि आपको कितना दुख महसूस हो रहा है, कितनी मानसिक यातना हो रही है, तो वो समझा नहीं पाएगा। वो कहेगा कि बहुत दुख हो रहा है, परंतु कितना ये समझाया नहीं जा सकता। तो गरुड़ पुराण में यही है कि एक आत्मा ने जीवित रहते जितने पाप किए हैं, जितना लोगों को कष्ट दिया है, उतना ही कष्ट, वही यातना वो आत्मा नरक में भोगती है, मानसिक यातना भोगती है। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि मानसिक यातना तो ये सब तेल में तलना, उसके ऊपर डंडे से मारना, वो सब क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण में उन यातनाओं को समझाने के लिए मानसिक यातना को शारीरिक यातना से कंपेयर करके समझाया गया है। कि अगर उस मानसिक यातना को महसूस करना है तो ये सब चीज़ें करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पीड़ा होती है। मैं आपको 3 उदाहरण देके समझाता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देता है, चलो मान लेते हैं कि एक पति पत्नी है और पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, मान लो बस, तो उस पति को नरक में क्या सजा मिलेगी? यही कि उसके शरीर पर कीड़े पड़ जाएंगे, फिर उस आत्मा को यानी कि उस व्यक्ति को अपना ही मांस अपने दांतों से चीर कर खाने के लिए कहा जाएगा। अब आत्मा के पास तो वहाँ पर कोई शरीर नहीं होती, तो यहाँ पर किस शरीर की बात हो रही है? नहीं, उस यातना को समझाने के लिए हमें उदाहरण देकर ये समझाया गया है। उस बिचारी महिला को कितनी मानसिक यातना हुई, वही मानसिक यातना को शारीरिक यातना से कंपेयर करके समझाया गया है। कि अगर किसी जीवित व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहा जाएगा और उसको जितनी पीड़ा होगी उतनी ही पीड़ा उस महिला को हुई है, तो उस पति को नरक में वही पीड़ा होगी, उतनी ही पीड़ा होगी। मानसिक यातना मतलब जो भी हो, पति हो या पत्नी हो, वहाँ पर लेडीज जेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर सब एक है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं होता, लिंग ही नहीं होता। चलो दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आभार प्रकट नहीं करता, चलो मान लेते हैं कि एक महिला है जो गांव में रहती है, वो दिन भर काम करती है, परंतु उनका घर में कोई सम्मान नहीं करता, उल्टा लोग कहते हैं कि तुम काम ही क्या करती हो, दिन भर बैठी रहती हो, तो ऐसे घर वालों को नरक में क्या सजा मिलती है? ऐसे पापियों को वैतरणी नदी पार करने के लिए कहा जाता है। वैतरणी नदी में पानी नहीं बहता, इसमें कांच के टुकड़े, फिर सड़े हुए मांस, तलवार यानी कि कष्ट देने वाली ये सारी चीजें बहती हैं, और ऐसी नदी को उस आत्मा को तैर कर पार करना पड़ता है। अब इस चीज से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तैर कर इस नदी को पार करो। रुक नहीं सकते क्योंकि कष्ट हो रहा है, और जैसे जैसे आप तैरते तैरते चले जाओगे पीड़ा बढ़ती चली जाएगी, कष्ट और भी बढ़ेगा। रुक भी नहीं सकते और तैर कर चले जाओगे तो और भी पीड़ा होगी। तो यहाँ पर वो जो गांव में रहने वाली महिला है उसको कितनी मानसिक पीड़ा हुई है ये यहाँ पर समझाया गया है। कि वो दिन भर काम करती है, कष्ट होता है, फिर भी लोग सम्मान नहीं देते, और काम करो फिर भी सम्मान नहीं देते, काम नहीं किया फिर भी सम्मान नहीं देते। तो यहाँ पर उस महिला की मानसिक यातना को शारीरिक यातना से कंपेयर करके समझाया गया है कि उतनी ही मानसिक यातना वो घर वाले नरक में भोगेंगे। कितनी, एक काम करो, जीवित मनुष्य को ऐसा करने के लिए कहो, उसको जितनी पीड़ा होगी उतनी ही पीड़ा नरक में भोगोगे, मानसिक यातना। मैंने ये सिर्फ उदाहरण दिया है कि गांव में रहने वाली महिला, आप
जैसा भी उदाहरण लेना है आप ले लो। मेन चीज क्या है, आभार प्रकट न करना। चलो एक और उदाहरण, तीसरा उदाहरण से समझाता हूँ, चोरी करना। मान लो एक चोर ने किसी के घर में चोरी की, अब उस चोर का नरक में क्या हाल होगा, उस चोर की आत्मा को कितनी पीड़ा होगी कि अगर एक जीवित मनुष्य को अंधेरे में ढकेला जाए और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ जा रहा है, वो किधर है, और उसे चारों तरफ से हर जगह से हमला किया जाए, वो भी अचानक, उसको नहीं पता कि हमला कहाँ से हो रहा है, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, अगर इधर जाऊँ तो इधर से हमला तो नहीं होगा। तो इस तरह से चारों तरफ यानी कि सभी जगहों से उस पर हमला किया जाएगा, कांच के टुकड़ों से या फिर गर्म लोहे से या फिर तलवार से, हर जगहों से उसको कष्ट दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके घर में चोरी हुई है वो भी ऐसा ही महसूस कर रहा है कि मैंने तो वो पैसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखे थे, अब मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, किधर जाऊँ, कहाँ से हमला होगा, यानी कि कौन अब मांगने आएगा, इतने पैसे कहाँ से लाऊँ। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी है जैसे अगर किसी जीवित मनुष्य को अंधकार में फेंका जाएगा और अचानक हमला किया जाएगा। तो मानसिक यातना को शारीरिक यातना से कंपेयर करके समझाया गया है कि उतनी ही यातना वो पापी मनुष्य नरक में भोगेगा, मानसिक यातना। अब ये तो बात हुई श्रद्धा की कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज है और ये सारी चीजें उसमें होती है। परंतु अगर एक फिलोसोफर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरुड़ पुराण का मकसद नैतिक शिक्षा प्रदान करना है कि पाप करना क्यों गलत है और जिसको कष्ट होता है उसे कैसा महसूस होता है, ये समझाने के लिए गुरुकुल में बच्चों को ये सब उदाहरण देकर समझाया गया है कि पाप करना क्यों गलत है, लोगों को कैसा महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है। तो उस कष्ट को महसूस कराने के लिए, उस मानसिक यातना को समझाने के लिए, महसूस कराने के लिए, उस यातना को शारीरिक यातना से कंपेयर करके गुरुकुल में बच्चों को समझाया गया है कि बच्चों पाप मत करो, अच्छे कर्म करो, सबसे प्रेम से रहो, यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ होगा तो कैसा महसूस करोगे, तो आपको दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में समझाई गई है। मेन मकसद ये नहीं है कि नरक में क्या सजा मिलेगी, मकसद ये है कि मानसिक यातना कितनी कष्टदायक है ये समझाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब स्वर्ग और नर्क के बारे में बात छिड़ ही गई है तो उसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। चाहे स्वर्ग हो या नर्क, दोनों का हिसाब एक ही है कि स्वर्ग की मुद्रा क्या है, पुण्य, नर्क की मुद्रा क्या है, पाप। जितने पैसे आप कमाओगे, जितने पुण्य आप कमाओगे, उतनी ही देर आप स्वर्ग में रहोगे, और जितने पाप करोगे उतनी ही देर आप नरक में रहोगे। जैसे ही पैसे यानी कि जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, और जैसे ही आपके पाप खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको नरक से बाहर निकाल दिया जाएगा कि वापिस पाप कमा के लाओ, फिर मैं आपको अंदर जाने दूंगा। स्वर्ग में कहेंगे कि वापिस पुण्य कमा के लेके आओ, फिर मैं आपको अंदर जाने दूंगा। हिसाब वही है। अब आप बोलेंगे कि जिन लोगों ने पाप और पुण्य दोनों किए हैं उनका क्या होगा? हिसाब तो दोनों का लिया जाएगा, आपको स्वर्ग में भी जाना है, नरक में भी जाना है, अगर आपने पाप किए हैं तो तय आपको करना है कि आपको पाप ज्यादा करने हैं या पुण्य, स्वर्ग पसंद है या नरक। पुण्य से याद आया, आपको मनु के बारे में तो पता ही होगा कि कुल मिलाकर कुछ 14 मनु है। उनमें से जो चौथे मनु थे उनकी माता एक हिरनी थी और पिता मनुष्य। अगर संपूर्ण कहानी जानी है तो स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम उमा शंकराय नमः।